वेलकम टू डीएम वर्ल्ड। फिर दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, यदि आप परेशान हैं अपने पतलेपन की समस्या को लेकर या फिर अपने वजन को तेजी के साथ इंक्रीज करना चाहते हैं यानी कि बढ़ाना चाहते हैं और तरह तरह के नुस्खे आजमा चुके हैं लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, तो बड़ी आसानी के साथ अपने वजन को आप तेजी के साथ इंक्रीज कर सकते हैं, साथ के साथ अपने पतले पिचके गालों से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। यानी कि अगर आपके गाल पिचके हुए हैं तो उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। सिर्फ एक महीने में 5 से 8 किलो वज़न तेज़ी से उसका आपका बढ़ाएगा। तो चलिए जानते हैं किस तरह से बनाना है। दोस्तों आपको अगर वीडियो हमारी पसंद नहीं आती है तो कमेंट में रीज़न लिखें कि किस कारण पसंद नहीं आती, उस पर हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आपको पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो से नीचे लाइक बटन दिख रहा होगा, इसे ज़रूर दबा दें ताकि हमें पता लग सके किस किस को हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं। और दोस्तों वीडियो को अगर लाइक नहीं किया लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो से नीचे वाला रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाएं और पास वाले घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें। दोस्तों ये है घी, 1 चम्मच घी आपको लेना होगा और इसके अलावा भी किस सामग्री का उपयोग करना है वो हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिए हैं 4 छुहारे। अब इन 4 छुहारों को कद्दूकस कर लेना है, महीन महीन आपको इसे कद्दूकस करना है ताकि अच्छी तरह से आप इसका नुस्खा तैयार कर सकें। चलिए दोस्तों हम इस नुस्खे को तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखें दोस्तों 4 छुहारे इस तरह से महीन वाले कद्दूकस से आपको कद्दूकस कर लेने हैं। तो यहाँ पर हम इन 4 छुहारों को कद्दूकस करने के बाद आपको बताएंगे। याद रखें हम यहाँ पे जो है दोस्तों महीन कद्दूकस का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह से बारीक हो जाए, नुस्खा बनाने में किसी भी तरह का जो है दोस्तों हमें कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो आपको भी इसी तरह से कद्दूकस का इसमें जो है कद्दूकस कर लेना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो महीन महीन, अगर आपके पास महीन कद्दूकस नहीं है तो इसे महीन महीन चाकू छुरी से भी आप काट सकते हैं, लेकिन सही मेथड यही है दोस्तों, इससे बड़ी आसानी से आप अपने नुस्खे को बना पाएंगे और किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, याद रखें किसी भी नुस्खे के इस्तेमाल करने से पहले आपका लीवर एकदम स्वच्छ होना चाहिए। तली हुई चीज़ों का सेवन बिल्कुल बंद कर दें क्योंकि तली हुई चीज़ों से आपके लीवर वीक होता है और वीक होने के कारण आपको खाया पिया शरीर में नहीं लग पाता है। तो ऐसे में आप याद रखें ज़्यादा तली हुई चीज़ों का सेवन ना करें जिससे पूर्णतः आपको ये खाया पिया लग सके और आपका सेहत अच्छी तरह बन सके। अब इसमें जो दूसरी सामग्री है दोस्तों, 1 चम्मच हमने घी लिया है और 1 चम्मच हमने घी लेने के बाद इसमें 4 छुहारों को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। अब इसका जो इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है वो हम बताते हैं, इस नुस्खे को बनाने का असली प्रोसेस क्या है। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें एक सामग्री और लेनी है, उसको हम बता देते हैं वो कौन सी सामग्री और कितनी मात्रा में आपको इस्तेमाल करनी है। तो चलिए दोस्तों यह हमने ले ली है पिसी हुई चीनी, आप चाहें तो इसमें मिश्री भी पीस कर डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच हमें पिसी हुई चीनी डालनी है, आप भी स्वाद अनुसार इसमें मिला सकते हैं। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों आपको भी 1/2 चम्मच का उपयोग करना है, आप स्वाद अनुसार अपने इसमें चीनी मिला लें या फिर मिश्री मिला लें। यहाँ पर हमने कच्ची चीनी का इस्तेमाल किया है लेकिन आप पक्की चीनी का इस्तेमाल ना करें दोस्तों, या तो कच्ची चीनी हो या मिश्री का इस्तेमाल करें। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें डालना है 1/2 या 1/4 चम्मच आपको ये जो दोस्तों अश्वगंधा पाउडर है, अश्वगंधा पाउडर आपको पंसारी के यहाँ कहीं भी मिल जाता है, आप इसे ला सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आप जड़ी बूटी भी मिल जाती है दोस्तों, जड़ी बूटी को लाकर पीस कर भी उसका पाउडर बनाया जा सकता है। तो यहाँ हमने 1/2 चम्मच अश्वगंधा पाउडर लिया, 4 छुहारों को हमने कद्दूकस किया और 1 चम्मच घी लिया। अब इसको हमें किसी भी फ्राई पैन में इस तरह से आपको डाल देना है और डालने के बाद लगभग 5 मिनट तक इसको भून लेना है। तो याद रखें दोस्तों इन सभी चीज़ों को हम एक बार फिर से बता देते हैं, 1 चम्मच घी है, घी के अलावा जो सामग्री है दोस्तों इसमें अश्वगंधा पाउडर 1/2 चम्मच लिया है और 4 छुहारे लिए हैं, 1 चम्मच घी, अश्वगंधा पाउडर और 4 छुहारे हमने इसमें 4 लिए हैं और इसमें चीनी या फिर आप कच्ची चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं स्वाद अनुसार, या पीस कर इसमें मिश्री भी मिला सकते हैं और इस तरह से आपको इसे भून लेना है। भूनने के बाद दोस्तों ये नुस्खा आपका तैयार हो गया है। अब इसका सही इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों आपको पहले इसे लगभग, जब तक इसे पकाना है जब तक ये दोस्तों नीचे से थोड़ा रेड रेड ना हो जाए, इसका कलर जब रेड लगने लगे, थोड़ा लाल लाल दिखने लगे, तब आप इसको उतार लें।
तो फिलहाल यहाँ पर हमें 2 से 5 मिनट हो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और 3 मिनट हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज भी होने लगा है धीरे धीरे। तो अभी हमें इस तरह से चलाते रहना है, इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है आप देख सकते हैं दोस्तों। अब ये जो कलर है जब चेंज हो जाए उसके बाद आपको इसे उतार लेना है। उतारने के बाद दोस्तों इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है वो हम आपको बता देते हैं। सुबह खाली पेट आपको लेना है 1 चम्मच की मात्रा में, खाकर इसे 1 से 2 चम्मच की मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के बाद दोस्तों इसे किसी भी बर्तन में हम इस तरह से आपको कर दिखा देते हैं, लगभग 1 से 2 चम्मच की मात्रा में ये तैयार हुआ है। और खाने के बाद ऊपर से आपको दूध पी लेना है 1 गिलास। इसे लगातार अगर आप 8 से 10 दिन करेंगे तो आपके पिचके हुए गाल फूलने लगेंगे, वज़न भी बढ़ने लगता है और तेज़ी के साथ वज़न बढ़ता है दोस्तों। इसके साथ साथ आपको पतलेपन की समस्या है, हाथ पैर पतले दुबले हैं, उन्हें आप मोटा करना चाहते हैं तो इसका सेवन करें। इसके सेवन से काफ़ी तेज़ी के साथ आपको पतलेपन की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इसके बाद दूसरा नुस्खा भी बताएंगे, इससे पहले इस पाउडर के बारे में बता देते हैं। मोटा होने का गारंटी से दवा दिया जाता है। अगर 8 किलो तक आपका वज़न बढ़ाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा पतले हैं, गाल पिचके हुए हैं, गारंटी के साथ 5 से 8 किलो वज़न बढ़ेगा 1 महीने के अंदर अंदर दोस्तों। पाउडर 7 दिन में काम करना चालू कर देता है, पिचके गालों को फुला देता है और कोई भी नुकसान नहीं है। मंगाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, कोई भी भेजने का चार्ज नहीं है, सिर्फ दवा के पैसों में आपके घर तक आ जाता है। उसके अलावा दूसरा नुस्खा ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपको 1 चम्मच घी लेना है और आपको लेना है चीनी। घी और चीनी रोज़ाना सुबह खाली पेट अगर आप 1 चम्मच की मात्रा में, सुबह खाली पेट याद रखें दोस्तों, 1 चम्मच की मात्रा में घी और चीनी मिलाकर खाने से आपका शरीर तेज़ी के साथ मोटा होने लगता है। इसके अलावा जो सही एक बहुत ही पावरफुल नुस्खा है, काफ़ी तेज़ी के साथ आपका शरीर मोटा होता है, उसमें शामिल है दोस्तों 1 कप आप दूध लें। और इसके अलावा क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वो हम आपको बता देते हैं। 1 कप दूध इसमें लेना है, याद रखें दोस्तों जितने नुस्खे आप बता रहे हैं इसमें से कोई भी एक ही नुस्खे का उपयोग करना है और 8 मुनक्का आपको गिनकर ले लेना है। और 8 मुनक्का हम इसमें से गिनकर ले लेते हैं, उसके बाद जो इसका मेथड है, इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हमने 8 मुनक्का ले लिए हैं दोस्तों, अभी भी 7 मुनक्का हैं, 1 मुनक्का की इसमें कमी है तो 1 मुनक्का हमने और ले लिया। उसके बाद इसके अच्छी तरह से आपको बीज निकाल लेने हैं। इसके अंदर बीज होते हैं दोस्तों, मुनक्का हम कहते किसे हैं, कुछ लोग ये पूछते हैं मुनक्का कहते किसे हैं, तो दोस्तों ये जैसे किशमिश होता है वैसे ही मुनक्का होता है, लेकिन फ़र्क इतना है इसके अंदर इस तरह से बीज पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं इसमें इस तरह के बीज होते हैं। तो यही आपको 8 मुनक्का लेकर 1 गिलास दूध में पकाना है। पकाने के बाद इसमें 1/2 चम्मच अश्वगंधा पाउडर घोलकर सुबह खाली पेट पी लें, जिससे आपका वज़न तेज़ी के साथ बढ़ने लगता है। याद रखें दोस्तों, अभी हम आपको बता देते हैं इस तरह से आपको ये निकालना है। निकालने के बाद 8 मुनक्कों का आप बीज निकाल लें और इस तरह से आपको डाल देना है, इस तरह से इसमें डाल दें और इसमें 1/2 चम्मच इसे पहले अच्छी तरह से पका लेना है दूध को। पकाने के बाद में आपको डालना है 1/2 चम्मच अश्वगंधा पाउडर। इसमें डालने के बाद सुबह खाली पेट पीने से आपका वज़न तेज़ी से बढ़ता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, दवा मंगाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद दोस्तों।